नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आपने पिछले दिन प्लांट किंगडम के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो आपने पार्ट टू पढ़ा। आज हम आपके सामने पार्ट थर्ड में पढ़ाएंगे पौधों के भाग के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपने पार्ट वन और पार्ट टू अच्छे तरीका से देख लिया होगा, क्योंकि सीक्वेंस वे में अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। नहीं, जिस तरह से ऑफलाइन बच्चे मजा लेते हैं क्लास का, उसी तरह से आप भी फ्री में मजा ले रहे हैं। तो आपसे ये जरूर निवेदन होगा कि आप अच्छे तरीका से इसको पढ़िए, पूरी अच्छी तरीका से पूरी वीडियो देखकर अपनी कॉपी पर एक नोट्स भी तैयार कीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन कीजिए तो आपसे 100% सवाल बने। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हजारों मैसेज इसी बात का था कि सर प्लांट किंगडम का वीडियो। क्योंकि हर बच्चों के लिए ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन आपने पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ा होगा, आपको लगा होगा कि कितना आसान है। क्योंकि साइंस आसान बनाना मेरी एक कला है, मेरी एक जादू है, इसलिए आप अपने दोस्तों को मैक्सिमम जोड़ने का प्रयास कीजिए और दिखाएंगे साइंस की कैसी कला होती है। तो चलिए दोस्त, आइए हम आपको बताते हैं पौधे के भाग के बारे में कि पौधे को कितने पार्ट्स में बांटा गया। तो देखो बाबू, पौधे के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती और फूल। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि उसी फूल से फल का भी निर्माण होता है, तो एक पार्ट्स आपका फल भी होता है। लेकिन जब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि पौधे के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो आंसर चार ही होता है कि पौधे का मुख्य रूप से चार भाग होता है। कौन कौन? जड़, तना, पत्ती और फूल। जड़, तना, पत्ती और फूल, इसके अलावा फल भी पौधे के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, और फल का विकास तो फूल से ही होता है, फूल से ही उससे बनता है। तो हम लोग यहां क्लियर हो गया कि पौधे के अब टोटल कितना भाग हो गया। तो टोटली पौधे के भाग में पांच भाग का नाम सुने, ये आपका जड़ है जो आपको दिख रहा है, फिर ये आपका तना है, नहीं ये सारी पत्तियां हैं, ये आपके फूल हैं, और ये बीच बीच में क्या दिख रहा है? फल दिख रहा है। तो याद हो गया होगा सभी लोगों को कि पौधे का कुल कै गो भाग? पांच गो। कौन कौन? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। अब बारी बारी से हम सबके बारे में पढ़ेंगे कि जड़ क्या है, तना क्या है, पत्ती क्या है, फूल क्या है, फल क्या है, और उसका काम क्या है। क्योंकि इसमें सबका नाम सिर्फ लिखा हुआ है, जो नाम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा कि पौधे के कितने मुख्य रूप से भाग होते हैं, तो पांच भाग होता है। कौन कौन? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। अंग्रेजी में जानना चाहिएगा, जड़ का रूट हो गया, तना का स्टीम हो गया, पत्ती का लीफ हो गया, फूल का फ्लावर हो गया, और फल का फ्रूट हो गया। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो अंग्रेजी में नाम दे देगा, और उम्मीद करते हैं आपको याद ही होगा। जड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रूट बोलते हैं। तना को क्या बोलते हैं? स्टीम बोलते हैं। पत्ती को लीफ बोलते हैं, फूल को फ्लावर बोलते हैं, और फल को फ्रूट्स बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कि प्लांट का जो पार्ट्स था, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, इसके क्या क्या कार्य हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जड़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जड़ क्या है और इसकी क्या उपयोगिता होता है, जड़ कितने प्रकार का है और ये प्लांट के लिए कितना उपयोगी है, कौन सा जड़ भोजन का संग्रह करता है। क्योंकि कई तरह के सवाल आपसे एग्जाम में जड़ से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, यहां पर आप जड़ देख रहे होंगे, क्लियर। अब जड़ में आप खासियत क्या देखिएगा कि जड़ जो होता है, इसमें कुछ जड़ जो है इसके मोटे मोटे ब्रांच होते हैं। जड़ जो होता है जिसका विकास मूलांकुर से होता है, वो एक मोटा होता है। अब उसी मोटा में देखिएगा कई एक ब्रांच निकला रहता है, तो यहां पर एक आप मोटा मोटा देखे हैं, अब इसी में देखिए छोटे छोटे कई एक ब्रांच हो गया। तो इसी में जो छोटा छोटा कई एक ब्रांच दिख रहे हैं, वो भी एक जड़ है, इसलिए जड़ को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। यानी ये रूट कितना प्रकार का होता है? तो ये जड़ दो प्रकार का होता है। जड़ क्या है समझ गए? जड़ पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये पौधे का सबसे नीचे वाला भाग है ये जड़। और जड़ का विकास किससे होता है? तो जड़ का विकास जो है मूलांकुर से होता है। किससे होता है? मूलांकुर से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़ का विकास किससे होता है? मूलांकुर से। और तना का विकास किससे होगा? तो प्रांकुर से। अब बहुत सारे बच्चे मूलांकुर और प्रांकुर नहीं समझ रहे होंगे, तो एक मिनट पहले समझ लिया जाए मूलांकुर क्या है और प्रांकुर क्या है, ध्यान देंगे।
कोई भी पौधा देखे होंगे, उस पौधे का बीज जो है वो लगभग इसी तरह से होता है। एकदम आराम से आप देखने का प्रयास कीजिए, समझिए ऑफलाइन वाली मजा आप ले रहे हैं। हर एक टर्म को बढ़िया से समझेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है वो सीखेंगे, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा इसकी हम गारंटी लेते हैं। आप करें कोर्स की तैयारी, नौकरी दिलाना मेरी जिम्मेवारी, लेकिन हाँ आपको कोर्स की तैयारी बेहतर तरीका से करना होगा। ये गाना बजाना नाच नहीं है, हम डांस वाला मास्टर नहीं है, थोड़ा गाना सुना के नाच करके लिपस्टिक कादल बोल के जो है थोड़ा हम उलझाए रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, क्योंकि तुम जितना मेहनत करेगा उसी हिसाब से तुमको जॉब मिलेगा, और बिना पढ़े नौकरी नहीं हो सकता है, ये फिक्स है। क्योंकि हम लोग करोड़पति बाप के बेटा नहीं है जो करोड़ रुपया घूस दे के कहीं ना कहीं घुस जाएंगे, वो सब बाबू जमाना चला गया और हम लोगों से संभव नहीं। हम लोग गरीब आदमी है भाई, हम लोग के पास एक ही विकल्प है, वो हमारी ताकत है, वो अपनी मेहनत है, जिसके बल पर सफलता को छीन लेंगे। प्यार से नहीं मांगेंगे, सफलता को अपनी मेहनत के बल पर झुका लेंगे, छीन लेंगे। उतनी मेहनत आपको करना है, इसलिए 2 मिनट देकर व्हाट्सएप कॉल पर आप बिजी नहीं हो जाइए, बढ़िया तरीका से देखिए और एक नोट्स तैयार कीजिए। जिस तरह से हम आपको पढ़ाते हैं वैसे तैयार कीजिए। यकीन मानिए कि जब आपका 4 से 5-6 महीना बीतेगा तब आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। सवर्ण सर रियल में जिंदगी सवारने के लिए पैदा हुए हैं, इस बात का हम आपको एहसास दिला देंगे यदि आप मेरे साथ रेगुलर बने रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको जड़ के बारे में समझाते हैं कि जड़ 2 तरह का होता है, लेकिन अब यहां आ गया कि जड़ का विकास किससे होगा, मूलांकुर से, और बच्चे को मूलांकुर ही नहीं पता है। तो देखिए ये जो अभी आप देख रहे हैं ये पौधे का बीज है। ये क्या है भाई, किसी भी पौधे का बीज है, तो बीज में जब अंकुरण होता है, बीज को जैसे आप फूलने दे दीजिएगा तो बीज को फुलाइएगा तो अंकुरित होगा। तो देखिएगा बुआ, जब बीज अंकुरित होता है तो उसका जो बीज का ये वाला पार्ट्स होता है तो इस वाले पार्ट से एक ऊपर की ओर विकसित होता है और एक नीचे की ओर अंकुरण होता है, विकसित होता है। जो नीचे की ओर विकसित होता है उसमें इस तरह का ब्रांच निकलेगा, जो ऊपर की ओर विकसित करता है उसमें इस तरह से पत्ता निकल जाता है। इस तरह से जो है उसमें पत्ता धीरे धीरे निकल जाता है। तो इस तरह से आपका जब बीज अंकुरित होता है तो बीज के अंकुरण के बाद जब उसका विकास होगा तो एगो किधर जाएगा, ऊपर की ओर, एगो किधर जाएगा, नीचे की ओर। तो जो ऊपर की ओर गया है इसको कहा जाता है प्रांकुर। जिसका विकास ऊपर की ओर हुआ उसको क्या बोले, तो प्रांकुर। और जिसका विकास नीचे की ओर हुआ, जो नीचे की ओर आया, इसका नाम क्या है, इसी का नाम है मूलांकुर। क्या नाम है बउआ रे, मूलांकुर। उम्मीद करेंगे आपको ये बात याद हो गया होगा, क्या कि जब कोई बीज अंकुरित होता है तो उसके अंकुरण के फलस्वरूप एगो ऊपर की ओर विकसित होता है, एगो नीचे की ओर होता है। तो जे ऊपर की ओर होता है ओकरा की कहते हैं, तो जो ऊपर की ओर विकसित होता है उसको प्रांकुर कहा जाता है, और जो नीचे की ओर विकसित होगा वो क्या कहलाएगा, मूलांकुर। प्रांकुर से किसका विकास होता है, तना का, और मूलांकुर से किसका विकास होता है, तो जड़ का। तो याद हो गया कि जड़ का विकास कहां से होगा, तो मूलांकुर से होता है, और यही मूलांकुर, ये मूलांकुर जो है ये मोटा होता है। तो ये जो मूलांकुर जो मोटे जड़ का निर्माण करता है उस जड़ को कहा जाता है टॉप रूट। कौन रूट कहा जाता है भैया, मूलांकुर से जिस जड़ का निर्माण होता है उसको टॉप रूट कहा जाता है, यानी उसको कहा जाता है मूसला जड़। कौन जड़ बउआ रे, तो मूसला जड़। तो ध्यान रखना, मूलांकुर से जिस जड़ का निर्माण होता है उस जड़ को क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। और प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, तो प्रांकुर से तना का विकास। प्रांकुर से किसका निर्माण होगा, तना का। मूलांकुर से किसका निर्माण होगा, जड़ का। जड़ में भी दे देगा रोम जड़ या मूसला जड़, तो आंसर क्या होगा, मूसला जड़। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन बउआ। जड़ का विकास किससे हुआ, मूलांकुर से। मूलांकुर क्या है, जब बीज अंकुरण होता है तो जो नीचे की ओर बढ़ता है उसको मूलांकुर, जो ऊपर की ओर बढ़ेगा तो प्रांकुर। प्रांकुर से किसका निर्माण हुआ, तना का। मूलांकुर से किसका निर्माण हुआ, जड़ का। और इस मूलांकुर से जो जड़ का निर्माण होता है, जो मोटा पार्ट्स रहता है उसको मूसला जड़ कहा जाता है। कौन जड़ कहा जाता है, मूसला जड़ कहा जाता है। इसका मतलब जड़ 2 प्रकार का हो गया, एक को मूसला जड़ यानी टॉप रूट, और दूसरे को जानते क्या कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है रोम, नहीं यानी मूल रोम कहा जाता है, यानी रोम जड़ कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है रूट हेयर।
इसको क्या कहा जाता है? इसको रूट हेयर के नाम से जाना जाता है, इसको मूल रोम के नाम से जाना जाता है। और ये काफी पतला पतला, ये जो कई ब्रांच आप देख रहे हैं, इस ब्रांच को ही क्या कहा जाता है? ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं, इन्हें मूसलाधर जो कई ब्रांच में बटता है, एकदम पतले पतले रोम की तरह जो होता है, उसको कहा जाता है रूट हेयर, यानी रोम जर कहा जाता है या मूल रोम कहा जाता है। तो जर कै प्रकार के? जर दो प्रकार के। कौन कौन? जो मोटका मोटका रहता है वो मूसलाधर, जो मोटका मोटका रहता है मूसलाधर, और जो पतरका पतरका रहता है वो मूल रोम कहलाता है, रूट हेयर कहलाता है, जो एकदम बाल की तरह एकदम पतरका पतरका होगा। तो जो बाल की तरह पतरका पतरका होगा वो मूल जर, और जो मोटका मोटका होगा वो कहलाएगा मूसलाधर। जर का विकास किससे हुआ? तो मूलांकुर से। तना का विकास पुरांकुर से। कोई कंफ्यूजन? अब देखेंगे ये मूसलाधर क्या करता है। तो ये मिट्टी को जकड़े हुए रहता है, जिससे पौधे को ताकत मिलती है। और ये रूम मूल रूम करता है, क्या जानते हैं? यही मूल रूम क्या करता है? जल और खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल और खनिज लवण को कौन अवशोषित करता है? तो रूट हेयर अवशोषित करता है, अर्थात मूल जर जो है या रोम जर जो है, वही रोम जर क्या करता है? खनिज लवण और जल को अवशोषित करता है। और यही खनिज लवण जर ना पत्ती को मिलेगा जाइलम के माध्यम से, तो पौधे की पत्ती अपना भोजन बना पाएगा। अतः खनिज लवण और जल को अवशोषित कौन करता है? तो रूट हेयर करता है, यानी मूल रोम करता है। जबकि पौधे को ताकत कौन देता है? जमीन को ज्यादा जकड़े कौन रहता है? तो आपका टॉप रूट जकड़े रहता है, इससे पौधे को ताकत मिलती है। तो जर का दोनों टाइप समझ गए, एक को मूसलाधर और दूसरे को रूट हेयर, अर्थात मूल रोम कहा जाता है। ये जल का अवशोषण करता है, खनिज लवण का अवशोषण करता है, और मूसलाधर क्या करेगा? जमीन को बढ़िया से जकड़े रहेगा, जिससे कि पौधे को ताकत मिलती है और पौधे स्टैंड रहता है। क्योंकि जड़ यदि कमजोर पड़ जाएगा, यह पौधा क्या होगा? गिरकर टूट जाएगा। इसीलिए जड़ और तना को मजबूत होना जरूरी है। तो जड़ भी पौधे को ताकत देता है और तना भी पौधे को क्या करता है? ताकत देता है। क्लियर हो गया? अब एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जर जो होता है उसमें से कुछ जर ऐसा भी है जो भोजन का भी संचय करता है। कुछ जर जो है ये भोजन का भी संचय करता है। जैसे आपने गाजर का नाम सुना होगा, आपने मूली का नाम सुना होगा, शकरकंद का नाम सुना होगा, सलजम का नाम सुना होगा। ये सब जर है जो भोजन का संचय करता है और हम लोग उसको क्या करते हैं? खाते हैं। तो यहां तक पहले क्लियर हो गया? क्लियर कीजिए पहले, एक बार फिर से सुनिए कि जर का विकास किससे हुआ? मूलांकुर से हुआ। मूलांकुर क्या है? तो जब बीज अंकुरण होता है तो जो नीचे की ओर विकास करता है, मूलांकुर ऊपर की ओर विकास करेगा, तो प्रांकुर, प्रांकुर से तना का और मूलांकुर से जर का निर्माण होता है। जर कितना प्रकार का? तो दो प्रकार का। कौन कौन? टॉप रूट और रूट हेयर, यानी मूसलाधर और मूल रोम। मूसलाधर क्या करता है या जर का काम क्या है? तो जमीन को बढ़िया से जकड़े रहना और पौधे को ताकत देना। खनिज लवण और जल का अवशोषण कौन करता है? तो रूट हेयर करता है। खनिज लवण और जल का अवशोषण कौन करेगा? तो रूट हेयर करेगा। अब इसके अलावे भी बहुत सारा कार्य है जर का, जो अभी आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ जर के बारे में बताए कि जर भोजन का भी संग्रहण करता है। जर क्या करता है? बुआरे, ये भोजन का संग्रहण करता है। तो जर किस प्रकार के भोजन का संग्रहण करता है? जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। कहेंगे सर क्या क्या चीज? तो जो जर भोजन का संग्रहण करता है उसमें गाजर का नाम आता है, उसमें मूली का नाम आता है, उसमें सलजम का नाम आता है, उसमें शकरकंद का नाम आता है। शकरकंद, ये सब नाम सुने होंगे, ये सब एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है कि कौन सा जर ऐसा है जो भोजन का संचय करता है, या फिर जर जो भोजन का संचय करता है उसमें से कौन कौन प्लांट आता है? तो उसमें गाजर आता है, मूली आता है, सलजम आता है, शकरकंद आता है। जो जर क्या करता है? भोजन का भी संग्रह करता है। क्लियर हो गया कि जो जर भोजन का संग्रह करता है उसमें गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, ये सब का नाम आता है। और कुछ कुछ जर ऐसा देखिएगा ना जो तना से निकलता है और फिर वो मिट्टी तक पहुंच जाता है। तना से निकलेगा और मिट्टी तक पहुंचेगा, वो भी पेड़ पौधे को, बड़े बड़े पेड़ को ताकत देता है। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, उसमें तना से भी कुछ कुछ जर निकलता है। उस जर को जानते हैं, स्तंभ जर कहा जाता है। कौन जर कहा जाता है? स्तंभ जर।
क्वेश्चन पूछेगा कि स्तंभ जड़ क्या है, वैसा जड़ जो तना से निकलता है और पौधे को ताकत देता है उस जड़ को क्या कहेंगे, तो स्तंभ जड़ कहेंगे। मूसला जड़ क्या है, जो मूलांकुर से विकसित होता है उसको मूसला जड़ कहते हैं, और जब मूसला जड़ कई भागों में बट जाता है तब उसको मूल रोम कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है। क्लियर हो गया स्तंभ जड़ क्या है, समझ गए कि तना से जिस जड़, अरे बरगद में हम लोग बच्चा थे तो नहीं लटकते थे वो, तो बरगद के तना से जो निकला हुआ जड़ रहता है जिसमें हम लोग बच्चेपन में झूला झूलते थे वही ना है भाई स्तंभ जड़। अब धीरे धीरे बढ़ के देखते होंगे पृथ्वी से मिल जाता है, वो पौधे को ताकत देता है, अर्थात उस जड़ को क्या बोलते हैं, स्तंभ जड़ बोलते हैं। कुछ जड़ भोजन का संग्रह किया उसमें किसका नाम आया, तो गाजर का, मूली का, शकलकंद का, सरजम का, कोई कंफ्यूजन नहीं। और दूसरी बात देखिएगा कि जड़ का विकास जब भी होगा तो पृथ्वी की ओर होता है, यानी पृथ्वी के नीचे की ओर होता है। जड़ कभी देखे ऊपरी ओर बढ़ ले जा रहा ना, जड़ का विकास हमेशा नीचे की ओर होगा और तना का विकास हमेशा ऊपर की ओर होगा। जड़ का विकास किधर होगा, ऑलवेज नीचे की ओर, और तना का विकास हमेशा ऊपर की ओर। तो जड़ का विकास नीचे की ओर होता है इसको कहा जाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और ऊपर की ओर नहीं होता है तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी प्रकाश अनुवर्तन नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश की ओर जड़ का विकास नहीं होता है, जड़ का विकास पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन होता है। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा कि जड़ जो होता है इसमें जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, तो पॉजिटिव, यानी इसमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है और निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। नहीं, अब दिमाग में आता होगा कि सर जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो गया, जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन वृद्धि करता है उसको जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, और जो प्रकाश की ओर वृद्धि करेगा उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो क्या जड़ का विकास प्रकाश की ओर होता है, तो कहेंगे सर नहीं होता है। नहीं होता मतलब क्या, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जड़ का विकास नीचे की ओर होता है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन होता है, इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। याद रखिएगा जड़ में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है और निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, जबकि इसका उल्टा किसमें होगा, तना में। जड़ का सापे उल्टा तना में होगा, क्योंकि तना का विकास हमेशा प्रकाश की ओर होता है, तो तना का पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। लेकिन जड़ में क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा और निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। क्लियर हुआ कि जड़ का विकास हमेशा चूंकि नीचे की ओर होता है इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जड़ का विकास नीचे की ओर होगा तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, प्रकाश की ओर नहीं होता है तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? तो जड़ से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल आपसे पूछा जाता है, क्लियर हो गया कि जड़ जमीन को जकड़े रहता है जिससे पौधे को ताकत मिलती है, जड़ खनिज लवण और जल को भी अवशोषित करता है, जड़ दो तरह का होता है, टॉप रूट और रूट हेयर, यानी मूसला जड़ और रूम जड़, उसके बाद जड़ का विकास किससे होता है, तो मूलांकुर से होता है, उसके बाद जड़ जो भोजन का संग्रह करता है उसमें किसका नाम आता है, तो गाजर का, मूली का, सलजम का, शकरकंद का, जड़ का जियोट्रॉपिज्म क्या होगा, पॉजिटिव, जड़ का फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा, तो निगेटिव। क्लियर हो गया जियोट्रॉपिज्म क्या है, फोटोट्रॉपिज्म क्या है, दिमाग में सेट हो गया होगा कि जिसका विकास नीचे की ओर होगा वो जियोट्रॉपिज्म और ऊपर की ओर होगा तो फोटोट्रॉपिज्म, नीचे की ओर जड़ का विकास होता है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जड़ का विकास ऊपर नहीं होता है तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, जबकि इसका उल्टा किसमें हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग तना में पढ़ेंगे, सब काम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, अब किसके बारे में भाई, तो तना के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में बोवारे, तो तना के बारे में पढ़ेंगे कि तना क्या है। तो क्लियर है, ये जो ऊपर की ओर आप ये विकसित देख रहे हैं ये क्या है भाई, ये आपका तना है, कौन भाग है, तना है। और ये तना क्या करता है, तो तना टहनी का विकास करता है, पत्ती का विकास करता है, फूल का विकास करता है। ये जो फूल बना है किस पर, तना पर, ये जो फल है किस पर, तना पर, ये पत्ता है किस पर, तना पर। तो तना से किसका विकास हुआ, फूल का भी, फल का भी, पत्ता का भी। लेकिन इस तना का विकास कैसे हुआ, तो अभी हम आपको बताए थे कि तना का विकास प्रांकुर से होता है,
तना का विकास किससे बाबू? प्राणपुर से। यानी बीज का जब अंकुरण हुआ, अभी जस्ट दो मिनट पहले बताए थे कि जब बीज का अंकुरण होता है तो जो ऊपर की ओर बढ़ता है उसको प्राणपुर, और जो नीचे की ओर बढ़ेगा वो मूलांकुर। तो मूलांकुर से किसका निर्माण हुआ? जर का। मूलांकुर से किसका निर्माण हुआ? जर का। और प्राणपुर से किसका निर्माण हुआ? तो तना का। क्लियर हो गया कि तना का विकास प्राणपुर से होता है। अब तना का काम क्या हो गया? ये पौधे को ताकत दिया, पहला काम। दूसरा क्या किया? आपका पत्ता हो या आपका फल हो या फूल हो, पत्ता का, फल का, फूल का, ये सब का विकास कौन करता है? तो तना करता है। कौन करता है? तना करता है। उसके बाद देखिएगा, तना जो है इसके बीच में जो स्तंभ पाया जाता है उसको कहा जाता है इंटरनोड, और यहां जो पाया जाता है उसको कहा जाता है नोड। तो तना में नोड और इंटरनोड दोनों पाया जाता है, जबकि जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता है। तना में, अरे इसको कहा जाता है नोड, जो पत्ती को जड़ तना से जोड़ता है, जो पत्ती को तना से जोड़ता है वो नोड कहलाता है, और दो टहनी के बीच में जो रहता है उसको इंटरनोड। तो यहां पर आपका इंटरनोड रहता है और यहां पर नोड रहता है, तो नोड और इंटरनोड किस में पाया जाएगा? तो नोड और इंटरनोड जो है वो तना में पाया जाता है, लेकिन जड़ में नहीं पाया जाता है। तना का विकास किससे हुआ? प्राणकुर से। और तना से किसका निर्माण हुआ? तो पत्ती का भी, टहनी का भी, फूल का भी, फल का भी। और तना करता क्या है? ये पौधे को ताकत देता है। क्या करता बाबू रे? पौधे को ताकत देता है। इसके अलावे ये तना जो है ये भोजन का भी संग्रहण करता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा तना जो है ये भोजन का संग्रहण करता है, यानी उस तना का नाम बताइए जो तना भोजन का संग्रहण करेगा। तो इसमें जानते किसका नाम आता है? इसमें आलू का नाम आता है। किसका? आलू का। इसमें हल्दी का नाम आ जाएगा, इसमें आपके अदरक का नाम आ जाएगा, इसमें आपको प्याज का नाम आ जाएगा। नहीं तो हल्दी हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब तना वाला फसल है। जो तना क्या करता है? इसको संग्रहण करने का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोड और इंटरनोड किस में पाया जाता है? तो तना में पाया जाता है। पत्ती, टहनी, फूल, फल का विकास किससे होता है? तो तना से होता है। तना का विकास किससे हुआ है? तो प्राणपुर से हुआ है। और तना का विकास हमेशा कहां होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जड़ का विकास नीचे की ओर, जबकि तना का विकास हमेशा कहां होगा? ऊपर की ओर होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, तना जो है इसमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा, फोटोट्रॉपिज्म होगा। तना में क्या होता है बुवारे? तना में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा, जबकि निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, तना जो है इसमें निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्योंकि नीचे की ओर तो विकास नहीं करेगा, तो नीचे की ओर विकास नहीं करेगा, तो नौ से नहीं, नौ से निगेटिव, क्योंकि तना नीचे की ओर विकास नहीं करेगा, इसलिए निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ेगा, प्रकाश अनुवर्तन होगा, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तना में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जबकि जड़ में क्या देखे थे? जड़ जो है उसमें जौ से जड़, जौ से जियोट्रॉपिज्म। तो जड़ में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, तना में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तना में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जड़ में क्या बताए? निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर? जड़ के लिए था और ये तना के लिए हो गया। तना से किसका विकास हुआ? पत्ता का भी, फूल का भी, फल का भी बाबू, सबका हुआ। और कुछ तना जो है वो भोजन का भी संग्रह किया, जिसमें गाजर का, सॉरी गाजर बोल, गाजर तो जड़ हो गया, जिसमें आलू का, हल्दी का, अदरक का, प्याज का, ये सब का नाम आता है। तो आप ये क्या हो गया? ये तना वाला फसल हो गया, जो तना भोजन का संग्रह करता है। उसके बाद देखिएगा, कुछ तना क्या करता है? वो कुछ तना जो है वो पत्ता का रूप धारण कर लेता है, कांटा का भी रूप धारण कर लेता है। उसमें जानते हैं किसका नाम आता है? उसमें नागफनी का नाम आता है, उसमें आपको बबूल का नाम आता है, बेल का नाम आता है, नींबू का नाम आता है, जेकरा तना में देखे होंगे कांटा रहता है। तो कुछ कांटा का भी रूप धारण कर लेगा या फिर पत्ता का रूप धारण करेगा, तो पत्ता वाला नागफनी आ जाएगा, और कुछ नागफनी का टाइप कांटा वाला भी होता है वो भी आ जाएगा। इसके अलावा बबूल हो गया या फिर बैर हो गया या फिर नींबू हो गया, ये सब क्या है? तना का ही रूपांतरित कांटा है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। और कुछ तना देखिएगा, इन कुछ तना क्या हो गया? कांटे का रूप धारण कर लिया। इसमें किसका नाम आएगा? बबूल का, बेल का,
आएगा ना वो नींबू का, और कुछ तना जो है प्रतान हो जाता है। प्रतान का मतलब होता है काफी लचीला होता है, जैसे कदुआ देखे होंगे लतर लतर के क्या होता है ऊपर चढ़ जाता है। खीरा देखे होंगे या फिर लौकी देखे होंगे, लौकी कदुए हो गया नहीं, खीरा देखे होंगे, फिर आपका ये करेला देखे होंगे, वो सब लतरता है और लतर लतर कर क्या होता है ऊपर बांस पर या किसी छत पर चढ़ जाता है, क्योंकि उसमें प्रतान पाया जाता है। कुछ तो कुछ तन प्रतान का भी उदाहरण करता है, यानी वो लचीला भी हो जाता है जिसके कारण वो क्या करता है ऊपर चढ़ता है। कुछ तना भोजन का भी संग्रह किया जिसमें आलू का, हल्दी का, अदरक का, केसर का या प्याज का नाम आता है। कुछ तना काटा का उदाहरण किया जिसमें बबूल का, बेर का, नींबू का नाम आता है। तना का विकास प्रांकुर से होता है, तना में नॉड और इंटरनॉड दोनों पाया जाता है, तना में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। कोई कंफ्यूजन कहीं से भी, चलिए तो आज हम सेवा आपका ये रोकते हैं, ये आपका खत्म हो गया। इससे पहले वाला टॉपिक आप लोग नहीं देखे होंगे पार्ट वन और पार्ट टू, तो जरूर देख लीजिएगा और आप इसका लाभ उठाइए। डेली हम इसी के साथ इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक को लेकर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। आप लोग इतना समय देते हैं और इतना अच्छे तरीके से देखते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग लाइव में देखते हैं उन सारे बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।